सरकार ने रेस्टोरों में लगने वाले सर्विस चार्ज को एक बार फिर से गलत करार दिया। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि लोगों को सर्विस चार्ज देने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि फिलहाल ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत सर्विस चार्ज लेने वाले होटल और रेस्टोरों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। रामविलास पासवान ने कहा कि जिन होटल्स और रेस्टोरों के मेन्यू में सर्विस चार्ज का जिक्र नहीं है वहां इसे ना चुकाएं। उन्होंने कहा कि नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल में सर्विस चार्ज के मुद्दे को शामिल किया गया है और इसे बजट सत्र में पेश किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रेस्टोरों को सर्विस चार्ज मेन्यू में शामिल करना चाहिए ना कि बिल में। आपको बता दें कि रेस्टोरेंट कुल बिल का 10% तक सर्विस चार्ज वसूलते हैं। कंज्यूमर क्या कहते हैं कि इसका विरोध करे, कंज्यूमर मत दे, कोई क्या कहते हैं कि सर्विस चार्जेज मत दे, और यदि आपको सर्विस चार्ज लेना है आप उसको क्या कहते हैं कि सर्विस चार्ज क्या कहते हैं कि बड़े बड़े अक्षर में लिखिए। आप क्या कहते हैं कि अपने जो रेस्टोरेंट हैं होटल हैं उनके सामने में क्या कहते हैं रखिए कि आप जब खाना खाएंगे या ये करेंगे तो उसके अलावा इतना आपको सर्विस चार्ज जो है देना होगा, जिससे कंज्यूमर को मालूम रहे कि हम जो आपका प्रिंटेड है उसके अलावा भी हमको चार्ज क्या कहते हैं देना पड़ रहा है। और देखिए, कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी हेम पांडे ने भी अपनी राय इस पर जताई और कहा कि ये सर्विस चार्ज को उन्होंने गलत ठहराया और इसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस भी करार दिया। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। हमारे से तो कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी हेम पांडे, सर जब से आपने सर्विस चार्ज के ऊपर एक एडवाइजरी निकाली है तब से कंज्यूमर काफ़ी सख्ते में हैं, उनको पता नहीं है कि देना है या नहीं देना है, काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं उसको लेकर के। आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त कंज्यूमर को? मैं तो एज कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी यही कहूँगा कि टेकिंग सर्विस चार्ज इज एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर का राइट है, वन ऑफ द सिक्स राइट्स, राइट टू इंफॉर्मेशन। हमारा ये काम है हम कंज्यूमर को उसके राइट्स बताएं। एज राइट टू इंफॉर्मेशन, व्हेन द मैटर कंज्यूमर्स ने हमें बताया कि भाई सर्विस चार्ज लिया जा रहा है, तो हमने कहा कि सर्विस चार्ज एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, उसका मतलब कंज्यूमर को ये नहीं पे करना चाहिए।